दलिया बनाने के लिए मैंने लिया है 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 1 आलू, थोड़ी सी मूंग की धुली दाल, इसे भिगो के रख दिया आधे घंटे के लिए, 1 प्याज, 4 से 5 बीज छोटे छोटे इस तरह से टुकड़ों में कट कर लिया, हरा धनिया, देसी घी, थोड़ी सी मटर, दलिया गेहूं वाला दलिया लिया है मैंने, ये जो मिलता है मार्केट में, कुछ खड़े मसाले, 2 तेज़पत्ता, 2 लौंग, छोटा सा टुकड़ा दालचीनी और 1 बड़ी इलायची, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च और राई और कुछ मसाले जो बेसिक हमारे रहते हैं वो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें कोई भी पैन या कढ़ाई ले लेते हैं। मैंने ये पैन ले लिया, इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा देसी घी और ये जो दलिया है ना इसे डाल देती हूँ और इसे हम थोड़ा भून लेंगे। और ये क्या है हमारे एक दिमाग में रहता है कि दलिया दलिया क्या रहता है कि बीमार लोग खाते हैं और बच्चे भी नहीं पसंद करना चाहते। तो आज मैं बताऊंगी आपको एक आसान तरीका जिससे एक ये टेस्ट के साथ हेल्दी भी बनेगा। अब हम इस दलिये को थोड़ा सा 2 मिनट के लिए भून लेते हैं क्योंकि मेरा दलिया थोड़ा पहले से ही भुना हुआ है। और दूसरा एक चीज़ और मैं आपको टिप्स बताती हूँ इसके साथ, क्योंकि हम दलिया लेते हैं ना उसे रख देते हैं और थोड़े टाइम के बाद वो दलिया ख़राब हो जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो कभी भी हम ये दलिया अगर थोड़ा सा हम भून के रख देंगे तो कभी भी बरसात के टाइम में इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। अब ये देखिए हमारा दलिया, मैं दिखाती हूँ पास से, अच्छे से भुन गया। इसकी भुनने की पहचान ये है, देख रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा ये वाइट वाइट सा दिखने लगा है। अब ये अच्छे से भुन गया है, हम ऐसे ही प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब हम एक कुकर ले लेते हैं, इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच देसी घी। ऐसे ना देसी घी में बनाएंगे तो उसका टेस्ट और अच्छा रहेगा। और वैसे बनाने के लिए आप इसे रिफाइंड में या जो भी ऑयल खाते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच जीरा, जीरा थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे इसमें, और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम हींग और जीरा थोड़ा ज़्यादा डालें इसमें, और 1/2 चम्मच राई और कुछ खड़े मसाले, 2 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 लौंग और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। और इसकी जो फ्लेम है अभी मैंने मीडियम कर रखी है जिससे कि हमारे मसाले अच्छे से भुन जाए, और इसको थोड़ा चला देते हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, ये मैंने हरी मिर्च रखी थी काट के, ये साथ में मैं डाल देती हूँ 1 प्याज मैंने बारीक काट ली थी। अब हम प्याज को अच्छे से भून लेते हैं। अब ये देखिए प्याज हमारी अच्छे से भून गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये टमाटर। अब हम साथ में डाल देते हैं इसमें कुछ मसाले, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, बहुत ज़रा सा गरम मसाला और टेस्ट के हिसाब से नमक, थोड़ी सी डाल देंगे लाल मिर्च। और अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और जब तक हमारे टमाटर अच्छे से नहीं गल जाते हम इन्हें लो फ्लेम पे पका लेते हैं। अब ये देखिए हमारे मसाले ने कितने अच्छे से ऑयल छोड़ दिया है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ कुछ सब्जियाँ, ये मैंने लिए आलू, दाल, बीन, हरी मटर, और अगर आपके पास गाजर हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर अभी हमारे पास गाजर नहीं थी तो इसलिए मैंने गाजर नहीं डाली है। तो गाजर डालेंगे तो और अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। अब हम इसमें डाल देंगे ये दलिया और सबको मिक्स कर देते हैं। और इसमें हमें पानी की नाप है जितना हमारा, जैसे दलिया और दाल मिला के 1 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा हुआ है तो हम इसमें 5 कटोरी इसमें डालेंगे पानी, जिससे कि दलिया थोड़ा सा हमारा मतलब ज़्यादा पतला भी ना हो, ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। तो 5 कटोरी में इसमें पानी डाल देती हूँ इसी नाप से। अब ये देखिए हम मैंने इसमें 5 कटोरी पानी डाल दिया। अब हम इसे कुकर को बंद करके इसमें पहले 1 सीटी लगा लेंगे और फिर 2 सीटी बिल्कुल लो फ्लेम पे। अब हमारी कुकर की सीटी देखिए निकल गई इसकी गैस भी। अब इसको मैं खोल देती हूँ और चेक करती हूँ हमारी ये दलिया कैसा बन के तैयार हुआ। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में,
और इसका पानी भी बिल्कुल परफेक्ट है, मैं जितना गाढ़ा चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे एक ऐसा मसाला जिससे इस दलिये का टेस्ट और बढ़ जाएगा। अब मैं इसमें डाल दूंगी आधा चम्मच किचन किंग मसाला। अगर आप ये डालते हैं या आपके पास जैसे मैगी मसाला है इस तरह का कुछ भी डालते हैं तो इससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और आपको जो एक फीलिंग आती है ना कि हम दलिया बीमारों वाला खाना होता है, वो इससे आपका वो नहीं रहेगा कि हम दलिया बना रहे हैं तो हम बीमारों के लिए बना रहे हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ थोड़ा ज़्यादा सा हरा धनिया और अब हमारा वेजिटेबल दलिया बनके तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ।